Ruski. Hare Krishna, you are listening, listen. Must le rahe hain sir. Nikal rahe hain. Ho gaya. Kya kar? Load kare. Hare Krishna. Rasa. Rasa. Hare Krishna. कहते जैसे कृष्ण वृंदावन में यमुना में जल विहार करते हैं गर्मी का समय में, उसी तरह यहाँ पर जो अक्षय तृतीया है, कहते अक्षय तृतीया का दिन श्री मदन मोहन जी, जगन्नाथ जी से श्री मदन मोहन जी यहाँ पर आते हैं और आ करके बड़े सुंदर नाव में बैठ करके इसमें उनको जल विहार कराया जाता है। ठाकुर जी रोज इस पानी में 21 दिन तक ठाकुर जी इसमें जल विहार करते हैं। 21 दिन तक ठाकुर जी के ठाकुर जी नौका विलास करते हैं। ये नौका विलास एक भगवान की एक विशेष लीला है। ये नौका विलास विशेष करके ठाकुर जी की 5 विशेष लीला है। एक नंबर है नौका विलास, दूसरा नंबर है जल विहार, तीसरा नंबर है मधुपान, चौथा नंबर है झूला, पंचवा नंबर है कुंज लीला। कहती ये ठाकुर जी की विशेष 5 लीला, जो लीलाओं को वृंदावन में राधा कुंड में हैं, जहाँ पर सूर्य कुंड राधा कुंड में ठाकुर जी ये विशेष 5 लीला करते हैं। ये 5 लीला में भगवान का विशेष विशेष आनंद है। ये 5 लीलाओं का जो उद्देश्य है, जैसे इनको कैसे राधा कृष्ण को कैसे हम चुगल मिलन कराएं, ये सखियों का यही भाव है, सखियों का यही भावना है। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे लली तादी सखीगण, इनका उद्देश्य है राधा कृष्ण को कैसे मिलन कराएं। ये 5 जो लीला है, ये 5 लीला में राधा कृष्ण का मिलन होता है। 5 लीलाओं में कभी जो जल विहार करते हैं बोट पास टाइम, कहते कृष्ण स्वयं नाविक बनते हैं नाव चलाने वाले। क्यों नाविक बनते हैं? नाव कौन चलाता है भारत में? केवट, जो छोटे जाति के व्यक्ति ये नाव चलाते हैं। लेकिन कृष्ण तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, जगन्नाथ जगत का नाथ जगन्नाथ है, पर ये नाव क्यों चलाते हैं? नाव चला कर इसलिए कृष्ण कहते हे राधे हे गोपियाँ, मैं तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक हूँ, लेकिन ये तुम्हारी प्रेम में मैं इतने बसीभूत हो गया हूँ, तुम्हारी प्रेम का आस्वादन करने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या नहीं करता हूँ। कभी चूड़ी बनाने वाली बनी जाती हूँ हाथ में चूड़ी, कभी प्यार दबाने वाले बनी जाता हूँ, कभी नाव चलाने वाला बनी जाता हूँ, कभी हैं श्रृंगार जो करते हैं श्रृंगार करने वाले, कभी तेल जो मैसेज करते हैं, कभी तेल मैसेज करने वाले में बन जाता हूँ। बोले क्यों? बोले तुम्हारी प्रेम में बसीभूत होकर के। इसलिए कृष्ण फटे फुटे नाव लेकर के आते हैं, आकर कहते भैया कोई है उस पार में जाने वाले? गोपियाँ दूध दही लेकर के आती हैं, बोले हाँ हमको उस पार ले जाओगे? बोले हाँ क्यों नहीं ले जाएंगे? बोले बैठ जाओ। जब बैठ जाते हैं ना नाव में, बीच में ले जाते हैं, बीच में लेकर कहते भैया मेरे नाव तो फटे फूटे हैं और तुम इतने सारे गोपियाँ बैठी गई, मेरे नाव तो एक मणि ही ढो सकता, इससे ज़्यादा ढोने का ताकत नहीं। एक मणि कितना? एक मणि कितना होता है? 40 किलो। ललिता विशा का चंपक लता का तो पहले बताया नहीं, और हमको सबके सब बैठा करके बीच दरिया में कहते एक मणि ढो सकते हो? मैं अकेले तो 3.5 मणि की है, और ये गोपी देखो 4 मणि की है, और ये गोपी देखो 3 मण की है, ये 2.5 मण की है, हैं? ये तो इतने हैं और इतने सारे बैठ गए, तू बताते हो बीच में आकर के एक मण ढो सकते हो? बोले हाँ भैया मेरे नाव तो देखो फटे फटे नाव। बोले क्या करो? बोले तुम जो इतने बड़े दही की मटकी लाए ना, ये ज्यादा भोजन हो गया, ये तो जल्दी से फेंको इसको, नहीं तो डूब जाएगी। कृष्ण जानबूझ करके नाव के हिलाते हैं, गोपियाँ तो धड़ाधड़ नाव दही को फेंकने लग जाते हैं। बोले तब भी ज़्यादा भोजन हो, अभी भी ज़्यादा भोजन? बोले कैसे?
बोले पहले पहले ना एकदम सारा शरीर में देखे होंगे, पहले पहले माताएं एकदम चरण से लेकर सर तक पूरा अलंकार अलंकार में भरा भरा। मैं तो अपना माँ को देखा है, मैया को, जो चांदी की ना इतने इतने मोटे मोटे हाथ में इतने इतने बड़े हैं, यहाँ पर इतने इतने बड़ी बड़ी यहाँ पर, हाँ कमर में इतने चांदी, गले में, प्यार में, अपना माँ को मैंने देखा, 5 किलो तो वजन होगा कम से कम, इतने था और इतने इतने बड़े बड़े चांदी के सब, पता नहीं इतने पहले 10-10, 15-15, 20-20 किलो का पहनते थे। बोले अभी भी वजन है तुम्हारी अलंकार, फेंको इसको जल्दी नहीं तो डूब जाएगा, सारे उतार करके फेंकने लगे। बोले अभी और भी ज्यादा वजन। बोले क्यों, पहले जो साड़ी पहनते थे ना उसमें भी सोने की और जरी की एम्ब्रॉयडरी की काम, बोले तुम लोग इतने कीमती साड़ी पहन रखे हो, वो साड़ी का भी वजन है। इतने में कृष्ण क्या करते थे, नाव को बड़े चोलती से जान बुझ करके ना उसको हिलाया करते थे, और राधा रानी खड़ी होती थी और उनको तो तैरना आता ही नहीं लड़कियों को, अभी क्या करे। इतने में राधा रानी कृष्ण को पकड़ लेती है, जब पकड़ लेते कृष्ण तो यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये हमको आकर के पकड़े। जब राधा रानी कृष्ण को पकड़ लिए, और गोपियों का भावना क्या है, इनका भावना है हम कैसे राधा कृष्ण दोनों को हम मिलन कराएंगे। जुगल मिलन ही इनकी जीवन की मूल उद्देश्य है। राधा कृष्ण जब दोनों मिल जाते हैं, इनको देख करके सखियां बड़ी खुश होती है। जब राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इनका आनंद अपने आप, इनको आनंद मिल जाता है, हाँ गोपियों को सखियों को अपने आप, कहते ये जुगल मिलन होता है। फिर गोपियाँ क्या करती, वहाँ पर स्वयं जोग माया वहाँ पर टापू बना देती हैं, सुंदर वृंदा देवी कुंज बना देती हैं वृंदा देवी। फिर राधा कृष्ण दोनों का जुगल मिलन होता है कुंजों के अंदर में, इसलिए ये लीला होता है। और कभी कभी राधा और कृष्ण कहते हैं भैया मेरे नाव तो एक मणि ढो सकता, ज्यादा नहीं ढो सकता है, हाँ एक मन ढो सकता है। लेकिन इतने में गोपियाँ सब जानते हैं कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। बोले कृष्ण जितने भी हम इतने हैं ना, लेकिन हम सब मिलकर के एक ही मन, ज़्यादा मन नहीं हमारे, क्योंकि हमारा जो मन है ना, मन में तू ही बैठा है, हम किसको मन में नहीं बैठाया, इसलिए मन मन अभव मत भक्त भव। कृष्ण जो कहते हैं मन और किसी को मत दिया करो, मन देना तो केवल कृष्ण को ही, ये मन दो और किसी को मन को मत दो, हैं और किसी को मन देने पर ना कृष्ण स्वीकार नहीं करते। कृष्ण किसका झूठा नहीं खाते, कृष्ण किसकी झूठा नहीं खाते, कहते अगर कृष्ण भक्ति करना तो मन मन मना भव, मन केवल कृष्ण को, मत भक्त भव केवल भक्त कृष्ण का मनो, माम जाजी पूजा केवल मुझे करो, नमस्कार केवल मुझे करो, तब फिर मेरे को तुम प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए कृष्ण यही बताना चाहते थे एक मन होकर के मेरे को पुकारो, दो मन से नहीं, एक मन होकर के मेरे को पुकारोगे ना फिर तुम मेरे को पा सकते हो। गोपियाँ कहती कन्हैया हम इतने तो है, लेकिन हमारा जो मन है ना केवल तू ही मेरा मन में बैठे और कोई नहीं बैठे, हम तो सब तेरे को सब दिए। बोले कृष्ण बोले ठीक है फिर तो नदी पार कराते, मतलब फिर भगवान हमें ये भवसागर को कृष्ण पार कराते, एक मन से जो हम भगवान को पुकारते। इसलिए कृष्ण इसी जल में उनका 21 दिन तक ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं, और 21 दिन तक 21 तरह का ड्रेस होता है, एक दिन षडभुज गौरांग, एक दिन मदन मोहन, एक दिन कृष्ण, ऐसे करते करते उनको 21 दिन में उनकी 21 तरह का उनका श्रृंगार होता है, और ठाकुर जी इसमें बैठ करके बड़े सुंदर यहाँ पर नौका विलास करते हैं। पहला दिन एक चक्र लगाएंगे, दूसरे दिन दो चक्र लगाएंगे, तीसरे दिन तीन चक्र लगाएंगे, चौथे दिन चार, और 21 दिन में 21 चक्र लगाएंगे, रोज रोज एक एक चक्र लगाएंगे। इसलिए ठाकुर जी इसी सरोवर में आकर के जल विहार करते, इसलिए इसका नाम चंद्र सरोवर, नरेंद्र सरोवर इसको कहते हैं, और उसका अंदर में ठाकुर जी है और शंकर जी है, शंकर जी उनको साथ में, शंकर जी भी आते हैं उनके साथ में, या 5 शिव है ना, कितने शिव, 5 शिव यहाँ पर है, कौन कौन है बोलो, कौन कौन शिव, जलकंठेश्वर महादेव, लोकनाथ, चंबेश्वर, और कोई सर, कपिलेश्वर और नीलकंठेश्वर, ऐसे 5 शंकर जी आते हैं, और यहाँ पर मार्केटेश्वर, यहाँ पर 5 शंकर है चारों तरफ में,
वो भी उनको साथ में यही आते हैं। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। अभी हम जाएंगे भक्तों घर में, थोड़ा कीर्तन करेंगे, फिर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खा करके मंदिर चलेंगे। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंद हरी हरी बोल। इनको इसको बैठा कर तुम नहीं चलो।